हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के यादव स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, CRPF HCM की तरफ से भर्ती निकल कर आ रही है जो कि एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं जो कि COVID-19 के कारण डिले हो गई थी, नहीं तो इसकी भर्ती कब तक आ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के यादव स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को लाए हैं CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि CRPF HCM की तरफ से एक काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्या है। तो आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक पे कि कब से अप्लाई होगा और क्या क्या इसका प्रोसेस होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के वेबसाइट पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है CRPF HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज ओपन 2021 लेटेस्ट न्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका क्या रहने वाला है। CRPF HCM रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर अबाउट 1000 वैकेंसीज इज सून टू रिलीज बाई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टैंड फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ए पॉपुलर जॉब कैटेगरी अमॉन्ग है आर्मर्ड फोर्सेस जॉब्स। CRPF यू नो इज द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दे रखा है इसमें 12वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 12वीं पास जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल होंगे, यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद हम आगे डिटेल्स में बात करते हैं फ्रेंड्स। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक काफ़ी अच्छा पोस्ट है। लेटेस्ट न्यूज फॉर CRPF HCM भर्ती 2021। अनऑफिशियल न्यूज ऑन माई फ्रेंड्स हु इज वर्किंग इन द मिनिस्ट्रियल ब्रांच। फ्रेंड्स, यहाँ पे CISF के बारे में दे रखा है तो हम बात कर लेते हैं CRPF का यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका नोटिफिकेशन विल बी रिलीज होने वाला था मार्च में। ठीक है फ्रेंड्स, बट मार्च में COVID-19 के कारण इसका कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। तो फिजिकल मेजरमेंट और टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, रिटन एग्जाम, यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया, यहाँ पे रिटन एग्जाम हो गया और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। यहाँ पे आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 1000 प्लस आने वाला है फ्रेंड्स। और इसके बाद हु कैन अप्लाई, तो 12वीं पास विथ ए टाइपिंग स्पीड 35 WPM इंग्लिश एंड 30 WPM हिंदी। फ्रेंड्स, यदि आप 12वीं पास है और यदि आपको टाइपिंग की जानकारी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आपको इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, 35 WPM यानी 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड चाहिए इंग्लिश में, और यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट में लिया जाता है जिसमें कि 5% आपको गलती होगा, तो कोई बात नहीं, आपका एक्यूरेसी 95 होना चाहिए तब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। टाइपिंग बस क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें से एक चुनना होगा कि आप इंग्लिश को चुन सकते हैं या हिंदी को चुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से एक को आपको अपनाना पड़ेगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में आपसे वही लिया जाएगा। यदि आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको पर मिनट 35 वर्ड पर मिनट मारना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हिंदी आप चूज करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट मारना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग आपको। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। रिक्वायरमेंट शेड्यूल्ड फॉर CRPF HCM भर्ती 2021 नो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है हाउ मच टाइम डोज इट टेक टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे जनरली इट टेक्स अबाउट
ए ईयर फ्रॉम द नोटिफिकेशन रिलीज डेट टू द फाइनल सेलेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट पब्लिकेशन आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आने वाला है। यहाँ पे द फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ट इज कंडक्टेड एट द ईयर आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन 5 से 6 मंथ के अंडर में करवा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल के बाद यहाँ पे सीआरपी वैकेंसी 2021 फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 900 से 1000 के बीच में इसमें पोस्ट आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, 1000+ ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं सीआरपी एचसीएम वैकेंसी 2016 का टोटल वैकेंसी कितना आया था 2016 में। तो 2016 में फ्रेंड्स टोटल 977 आया था, इस बार 1000+ आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल का 449 था, एससी का 134 था, एसटी का 153 था और ओबीसी का 241 था। यानी टोटल ऐड करते हैं तो 977 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2016 का वैकेंसी आया था सीआरपीएफ एचसीएम का, इस बार ओवर 1000+ आने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीआरपीएफ एचसीएम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ यू स्पेशलिस्ट द फ्रेशर मस्ट बी वंडरिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस रिक्वायरमेंट, सो हेयर आई कम अप विद ऑल द डिटेल्स लिस्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट फ्रेंड्स यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स मिलता है आपको। और यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो 3 वर्ष का, एससी एसटी का 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन का। तो आपको मैक्सिमम 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें पीएचडी होता है। इसमें फ्रेंड्स इसमें एचसीएम का जो पोस्ट होता है सीआरपीएफ का या सीआईएसएफ का, इसमें बस पीएचडी होता है इसमें। यानी पीएचडी का मतलब होता है फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको रनिंग वनिंग कुछ नहीं होने वाला है। पीटी यदि रहता तो पीटी के अंदर में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको उसको बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा। तो मेल के लिए इसमें हाइट फ्रेंड 1.65 होना चाहिए और आपका सीना जो है 77 होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 आपको कम से कम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल का, तो फीमेल का 1.55 हाइट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एसटी के यहाँ पे छूट मिलता है फ्रेंड्स, आपको 1.625 आपका हाइट होना चाहिए, 76 आपको सीना होना चाहिए नॉर्मल और फुलाकर 81 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट 1.50 चलता है फीमेल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे गहरवाली को कुमानी गोरखा डोगरास यहाँ पे जो जनजाति आती है उन लोगों के लिए 1.62 रखा गया है, हाइट 77 रखा गया है, सीना नॉर्मल और फुला करके 82। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हाइट 1.50 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, यानी पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वेट आपका मापा जाता है। ठीक है, प्रोटेनेट सेम हाइट और वेट के हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो वेट होना चाहिए ना वो हाइट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नियर विजन बेटर I/N6 होना चाहिए, रोज I/N9। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंट वर्जन बेटर I/6/6, आपको 6/6 बेटर माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कलर विजन आपको भी देखा जाएगा मेडिकल में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अप्लाई होगा सीआरपीएफ एचसीएम अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फिजिकल मेजरमेंट एंड स्क्रूटनरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपका टोटल 200 क्वेश्चन का होने वाला है पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से आपका 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, देयर विल बी टोटल 225 मार्क्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव 200 में आपका क्या क्या होने वाला है, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का होगा। इसमें से आप एक कोई चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ में 50 मार्क्स का होगा और उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड यानी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे बात कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का होगा एसी, जिसमें आप लोगों का निबंध लिखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो 15 मार्क्स का होगा, उसके बाद लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि एचटीएम कलर का राइटिंग का काम पड़ता है कोई अप्लीकेशन लिखने के लिए, इसलिए इसमें मांगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, इसकी भर्ती जल्द ही निकल कर आने वाली है, कोविड-19 के कारण डिले हो रहा है, तो ठीक है फ्रेंड्स। यदि इसकी भर्ती निकल कर आएगी तो सबसे पहले हम आप लोगों को वीडियो बनाकर डाल देंगे चैनल पर, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।